ये तस्वीर आप देखिए, राहुल गांधी की बस के सामने अचानक से बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल की बस को घेर लिया, लेकिन राहुल गांधी ने अपनी बस को रुकवाया। बस रुकवा करके राहुल गांधी नीचे उतरते हैं। ये आप देखिए तस्वीरें, राहुल गांधी बस को रुकवा करके नीचे उतर रहे हैं और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ के सामने राहुल गांधी अकेले वहां पर चले गए। देखिए, धक्का लगा करके खुद जो है वो राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए और बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने, और उनको फ्लाइंग किस राहुल गांधी दे रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी की बस को घेरने का काम किया, लेकिन राहुल गांधी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने वहां पर पहुंच गए। बीजेपी के कार्यकर्ता झंडा लिए हुए थे हाथ में अपना, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने अचानक से राहुल गांधी वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर नारे बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पर लगा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी बस रुकवा करके वहां पर पहुंच गए। तस्वीर आप देखिए, वीडियो देखिए आप। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मोदी मोदी के नारे लगाए और यहाँ पर राहुल गांधी की बस को घेर लिया, लेकिन राहुल गांधी खुद से राहुल गांधी इन बीजेपी कार्यकर्ताओं के सामने वहाँ पर खड़े हो गए नीचे उतर करके बस से, और बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ पर जो है वो राहुल गांधी के सामने भाग निकले। ये राहुल गांधी ने मंच से कहा भी, इस बात को भी मैं आपको सुनाऊँगा। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी ने एक वीडियो भी जारी की है, जहाँ पर कहा गया है कि मीडिया कर्मियों के, जो कांग्रेस की तरफ से मीडिया का काम देख रहे हैं, उनके कैमरे भी छीन लिए गए, तो वो तस्वीरें भी आप देखिए। लेकिन राहुल गांधी की तस्वीरें ये काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, और इसी तरह से जयराम रमेश की गाड़ी के सामने भी बीजेपी के कार्यकर्ता आ गए और वहाँ पर भी डीजे बजाने लगे। तो ये तस्वीरें आप जयराम रमेश यहाँ पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। जयराम रमेश की गाड़ी जो है वो आपको दिख सकती है, जयराम रमेश इनोवा गाड़ी के अंदर बैठे हुए फ्रंट सीट के ऊपर जयराम रमेश को आप देख सकते हैं, और जयराम रमेश की गाड़ी को भी घेर लिया बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। और उसके बाद में जयराम रमेश की गाड़ी का जो पोस्टर है भारत जोड़ो यात्रा का, उसको फाड़ दिया, पानी फेंका, और वहां पर डीजे के द्वारा गाने बजाए गए। ये तस्वीरें भी देखिए आप। और इसके बाद में तस्वीरें देखिए आप, मीडिया कर्मियों के साथ में भी छीना झपटी की गई है। कांग्रेस ने कहा है कि हमारे सोशल मीडिया का जो काम देख रहे हैं, वो मीडिया कर्मियों का कैमरा छीन लिया गया, और वो बार बार रिक्वेस्ट करते रहे कि हमारा कैमरा वापस दे दो, कैमरा वापस दे दो। ये भी देखिए, इस छीना झपटी के खिलाफ राहुल गांधी ने आज मंच से रैली में कहा कि अभी 2-3 किलोमीटर पहले हमारी गाड़ी को घेर लिया गया, बीजेपी के 20-25 लोग वहां पर आ गए, लेकिन जैसे ही मैं बस से उतरा तो सारे दुम दबा करके भाग गए। क्या बोले राहुल, सुनिए। यहां से 2-3 किलोमीटर पहले 20-25 बीजेपी के कार्यकर्ता नेता झंडा लिए हमारी बस के सामने आ गए। मैं बस से निकला, वो भाग गए। मतलब क्या समझ रखा है इन लोगों ने कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से
आरएसएस के कार्यकर्ताओं से डरती है क्या? ये कौन सा सपना देख रहे हैं? जितने हमारे पोस्टर फाड़ने फाड़ लो, जितने हमारे प्लैकार्ड फाड़ने फाड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। हमारी विचारधारा की लड़ाई है, हम किसी से नहीं डरते हैं, ना नरेंद्र मोदी से डरते हैं, ना यहाँ के चीफ मिनिस्टर से डरते हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि कांग्रेस के एक नेता माननीय श्री राहुल गांधी जी जब न्याय की खोज में, न्याय के लिए, लोगों के लिए, लोगों के बीच, लोगों को जानने के लिए निकले हैं, तो यही बीजेपी न्याय नहीं करना चाहती, यही बीजेपी दंगों की दंगाई बनकर जो है दंगे फैलाना चाहती है, उसका आज एक बहुत बड़ा उदाहरण आपके सामने है। जी, हमारे माननीय श्री जयराम रमेश जी की जब गाड़ी को रोका गया, उनके स्टिकर फाड़े गए, उससे हमें समझ जाना चाहिए कि ये लोग जो है दंगे करवाना चाहते हैं। कभी ये जातिवाद पे दंगे करवाते हैं, कभी ये जो है पार्टी के नाम पे दंगे करवाते हैं। आज एक उदाहरण आपके सामने ही है कि म्यूजिक चलाकर कौन बीजेपी का झंडे फहराकर जो है वो दंगे करवाए जा रहे हैं ताकि इस यात्रा को सफल ना किया जाए, और उन्हीं के नेता कहते हैं कि इस पे आप केस दर्ज कीजिए और उस पे जो है आप जांच कीजिए। आप किसी भी चीज को अपने सामने तो लेके नहीं आते। कई ऐसे नेता हैं बीजेपी के, जब उनकी आप ये देखिए, जब हमारे राहुल गांधी जी के संसद की संसद से उनके जो संसद थे तो उनकी सदस्यता भंग कर दी गई थी, तो आप मान सकते हैं कि ऐसे कई ऐसे बीजेपी के नेता हैं जिन्होंने कई किस तरह से अत्याचार किया है, महिलाओं पे अत्याचार किए, लेकिन वो शरेआम गुंडों की तरह घूमते हैं, उनके लिए कुछ नहीं किया जाता। इससे समझ आता है कि जो मणिपुर के लिए नहीं लड़ सकते, आज उनको यह दुख हो रहा है कि एक नेता जो है जनता के बीच में क्यों जा रहा है और जनता के दुख दर्द को क्यों बांटा जा रहा है, और उससे बुखला गई है भाजपा पार्टी जो है वो बुखला चुकी है। ऐसे ही जब भारत जोड़ो यात्रा निकली थी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी इन्होंने यही किया है और भारत जोड़ो यात्रा में भी ये इस तरह से कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हेमंता बिस्वा शर्मा, जिनके हाथ में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट की सिक्योरिटी उन्हीं के हाथ में है, डबल इंजन की सरकार है, और ये रैली में आप भीड़ देख रहे हैं, किस तरह की भीड़ आपको दिख रही है? ये बड़ी संख्या में राहुल गांधी के लिए यहाँ पर भीड़ आ रही है, और ये तस्वीर मैं आपको बताने के लिए काफी है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर असम में जनसमूह उभर रहा है, लोगों की भीड़ उभर रही है, और ऐसे में क्या बीजेपी वाकई इस भीड़ को देख करके डर गई है और इसीलिए जो है वो हमला करवाया जा रहा है? तो सवाल ये है, ये जिस तरह से कांग्रेस अब आरोप लगा रही है, वीडियो भी पोस्ट किया है कि बीजेपी के लोग वहां पर बाकायदा जो है बीजेपी के झंडे थे और बीजेपी के झंडे लेकर के जयराम रमेश की गाड़ी को रोका गया, स्टिकर फाड़े गए, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे आसाम के लोग जो है वो हमारे एक ट्रेडिशन है, हम अतिथि को खूब ज़्यादा हम श्रद्धा करते हैं, अभिनंदन करते हैं, हम अतिथि परायण लोग हैं। हमारे आसाम में अगर कोई ऐसा घटनी घटी है तो वो बड़ी शर्मनाक बात है, यह हमारे ट्रेडिशन के खिलाफ है। और ये जो वीडियो हम लोगों ने देखा है, अभी जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, उसमें देखा गया कि बीजेपी के झंडा लगाकर वह कुछ लोग आए, उनके गाड़ी पर जो हमला किया, इसीलिए हम लोग उन सभी कल्पितों का हम कंडेम करते हैं, उनको हम लोग गरियाना देते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि वह राहुल गांधी के इस यात्रा को सुरक्षा दे, और जो भी बुरे आदमी है जो इसमें कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं उनको रोके और अच्छी से जांच हो और पूरे सुरक्षा दिया जाए और आसाम की कल्चर को ना तोड़ा जाए। और ये कांग्रेस जो है वो अपने से करा रही है या फिर आपको लग रहा है कि नहीं बीजेपी के लोग ही हैं, क्योंकि हेमंता बिस्वा शर्मा इसको लेकर के ट्वीट कर रहे हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा ये कह रहे हैं कि जांच करिए कौन लोग हैं ये, जबकि झंडा जो है बीजेपी का दिखाई दे रहा है। आपने बोला है जांच कीजिए, जांच करने का तो हक हेमंता बिस्वा शर्मा जी किया है, वो आसाम के चीफ मिनिस्टर है, प्रशासन उनके हाथ में है, जांच वो उनको करना चाहिए, कांग्रेस कैसे जांच करेगी? कांग्रेस अधिकारियों को ही वो कह रहे हैं टैग करके कि जांच करिए, करना चाहिए, लेकिन ये कांग्रेस पार्टी अपने अपने ऊपर, अपने नेता के ऊपर क्यों हमला करेगा? कभी नहीं करेगा। ये सिंपथी के लिए तो ऐसा नहीं, ऐसा बात नहीं, सिंपथी की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग देख रहे हैं जो 100 करोड़ लोग भीड़ बनाकर राहुल गांधी को स्वागत करने के लिए आ रहे हैं,
है, उनके रैली में शामिल हो रहे हैं, उनको स्वागत कर रहे हैं, ये सिंपैथी की कोई बात नहीं। जो आम जनता है आसाम के, सभी राहुल गांधी के वो न्याय यात्रा में उनके साथ है, उनको स्वागत कर रही है, यहाँ सिंपैथी की कोई बात नहीं। जो षड्यंत्र रचा जा रहा है वो प्रशासन उसको देखे और सरकार उनको रोके। ये जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की यात्रा को लेकर के जो टारगेट हो रहा है, और आज जयराम रमेश की गाड़ी को रोका गया, क्या क्या समझ रहे हैं आप लोग, क्या माहौल आपको समझ में आ रहा है इससे? देखिए, हम लोग का सामने जो राहुल गांधी आज आया है, पूरा असम खुश है, पूरा असम सुखी है। तो वो बात हिमंत बिश्व शर्मा जी का थोड़ा खराब लगा है। तो हिमंत बिश्व शर्मा जी ने कांग्रेस को धमकी भी दिया है, गुवाहाटी में प्रवेश करने से अरेस्ट कर लेगा, वही बात बोला है। तो आज जो घटना हुई है, तो हम लोग का यही लगता है वो हिमंत बिश्व शर्मा जी का चाल है, उन्होंने कराया है, ये हम बोला है। तो आपको लग रहा है ये बीजेपी की चाल है? हाँ, बीजेपी का चाल है, 100% बीजेपी का चाल है। लेकिन फिर वही हिमंत बिश्व शर्मा आप कह रहे हैं कि उन्हीं की चाल है, और वही ट्वीट करके कह रहे कि एक्शन लीजिए, तो वो तो वही बोलना पड़ेगा, सीएम सर ने बोलना पड़ेगा। सीएम सर का भी आयन का अवता में है, वो भी जस करके देखिए किसका बात है। हम लोग का तो पूरा डाउट है बीजेपी का चाल है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो सीएम है इसलिए बोलना पड़ रहा है, बाकी काम उन्होंने ही करवाया है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, यही तो लगता है हम लोग को, यही लगता है। ऐसा है क्या? नहीं, देखिए ये राजनीतिक है। अभी जो सर के लिए बोल रहा है, जो हिमंत सर के लिए बोल रहे हैं, वो तो कांग्रेस पे था। अभी देख रहे हैं राहुल जी जो भारत न्याय यात्रा में जो उतार के आया है, सब भारतीय के लिए हम लोग एकजुट हो रहा है, शांति के लिए राहुल जी निकाल के आया है। कांग्रेस के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग कांग्रेस का साथ में ही है, हम लोग कांग्रेस का साथ में पहले से भी है, अभी भी है। लेकिन कांग्रेस का क्यों ऐसा हो रहा है, असम में ऐसा होता है क्या? नहीं, ये तो देखिए असम ऐसा नहीं है, असम हम लोग का जो असम है ये शांतिपूर्ण राज्य है। हम लोग यही चाहता है जैसा हर कम्युनिटी का आदमी एक साथ में एक शांति बजा के रखना है, यही हम लोग का एक कांग्रेस का। पब्लिक में मैसेज क्या जा रहा है, पब्लिक इसको कैसे ले रही है? नहीं, पब्लिक का देखिए, पब्लिक तो देखिए कांग्रेस में ही है, और जो बीजेपी में जो लोग गया है, ये देखिए हिमंत का चाल है, जो आसुनी का जो आसुनी जो रुपयन कर रहा है आदमी को ठोक ठोक करके, ऐसे मैंने आसुनी का लूप से लिप्सा से मैंने आदमी जा रहा है बीजेपी में, ऐसा नहीं है, अंतर से कांग्रेस में ही है और कांग्रेस में ही रहेगा। हम लोग कोई सुसराजन कांग्रेस में है, फिर देखिए दोबारा कांग्रेस ही आएगा। देखिए ये लोगों की भीड़ देखिए आप, राहुल गांधी की कांग्रेस की रैली के लिए यहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं लोग, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी के ऊपर एक बड़ा गंभीर आरोप कांग्रेस लगा रही है कि वो इस यात्रा की सफलता से बौखला गई है और इसीलिए वो हमला किया जा रहा है। ये जो है वो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़े गंभीर आरोप हिमंत बिश्व शर्मा के ऊपर लगाए हैं। हालांकि हिमंत बिश्व शर्मा अपना दामन बचाते हुए कह रहे हैं कि आप लोग जाँच करिए इसकी। अब जाँच का काम जो है वो हिमंत बिश्व शर्मा कर पाएंगे, क्योंकि हिमंत बिश्व शर्मा की जिस तरह से यहाँ पर सरकार है उसको लेकर के एक सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बार बार वो खुद से जिस तरह से जो उनकी बोली बोल रहे हैं, तो उससे कहीं ना कहीं माहौल जो है वो खराब हो रहा है, ये जो है वो लोग यहाँ पर कह रहे हैं। तो अब निश्चित तौर पर जो है वो बीजेपी के ऊपर जो सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि बीजेपी की स्टेट गवर्नमेंट की यहाँ पर सरकार है, और स्टेट गवर्नमेंट की सरकार का ही काम है कि वो सुरक्षा प्रदान करे, लेकिन अगर वो सुरक्षा प्रदान नहीं कर रही है और उसी की स्टेट गवर्नमेंट की सरकार होते हुए अगर इस तरह से हो रहा है, तो फिर उसको लेकर के किससे सवाल पूछा जाए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि क्यों आखिरकार अभी तक जो है वो ऐसे लोगों को चिन्हित नहीं किया गया, जबकि वीडियो वहाँ पर बाकायदा सामने है और वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि बीजेपी के झंडे और धार्मिक झंडे वो लेकर के लोगों ने वहाँ पर जयराम रमेश की गाड़ी को घेरने का काम किया है। तो फिर उन लोगों को जो कैमरे पर दिखाई दे रहे हैं, अभी तक फिर उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? और क्या जिस तरह से हिमंत बिश्व शर्मा लगातार इस बात को कह रहे हैं कि गुवाहाटी के अंदर वो घुसने नहीं देंगे, तो क्या उससे पहले का ये कि ट्रेलर है और गुवाहाटी के अंदर कुछ इससे बड़ा होने वाला है? सवाल ये है। तो यहाँ पर जो लोग उमड़ करके आ रहे हैं उनसे हम लगातार इस मुद्दे को लेकर के बात कर रहे हैं कि बीजेपी के लोग झंडा लेकर के कांग्रेस की यात्रा को रोकने का काम कर रहे हैं, जयराम रमेश की गाड़ी को रोका गया, तो ये असम
क्या इसी तरह से है असम में, ऐसे ही जो है वो गुंडागर्दी देखने को मिलती है? कथा ही संभव नहीं है, ये कभी कर ही नहीं सकते वो लोग, अभी दिखवा के लिए कर रहे हैं। जो भी करना है अपना, जो यात्रा है वो यात्रा हमेशा एकदम गुवाहाटी तक उसी सही सलामत चलते रहेगा, उसमें कोई रुकावट आ ही नहीं सकता। और वो लोग जितना भी कोशिश करे ये जनता को भंग नहीं कर सकता। ये हमेशा जैसे चल रहा है वही रैली अपना गुवाहाटी तक उसी नया यात्रा आराम से चलते रहेगा, उसमें कोई बीजेपी जितना भी दरार पड़ लगाए कुछ भी कोशिश कर ले कोई रुकावट नहीं हो सकता है। यहाँ क्या दिखा, इससे आगे और इससे ज्यादा लंबाई भीड़ पड़ा हुआ है, अब इतना जगह नहीं दे पाया बोल के जगह उतना नहीं हुआ, आगे इससे भी बहुत सारा लोग है, वो बहुत कुछ हो सकता है, वो कुछ भी कोशिश कर ले कैसे भी कोशिश कर ले कुछ नहीं हो सकता, कोई नहीं रुकावट कर सकते। ये जिस तरह से बीजेपी के झंडे लेकर के कांग्रेस की गाड़ियों को रोका जा रहा है, ये तो गलत बात है। ये गणतंत्र का, जो गणतंत्र का आघात करने के लिए वो लोग ये चेष्टा कर रहा है, इसलिए ये नहीं होगा। मेरा राहुल गांधी इधर आया, सभी आदमी स्वागत करेगा, यही है मेरा निवेदन है सभी आदमी के लिए। तो असम में ये पहले इस तरह से होता रहा है कि हमला होना, पत्थरबाजी होना? ये तो पहले गुवाहाटी ने वो लखीमपुर में देखा, जो कांग्रेस का जो लड़का लुक आया है, कुर्मी लुक आया है, उसको पत्थरबाजी किया था, ये बीजेपी वाला है, ये आरएसएस वाला किया था, यही है मैं सोच रहा हूँ। ये पहला है, पहली बार है, ये गुंडागर्दी अभी पहला है, आज जो किया है वो गुंडागर्दी, ऐसे तो नहीं चलता है ना। मैंने आपको बैनर फाड़ दिया है और पोस्टर फाड़ दिया है, गेट तोड़ दिया है। बैनर पोस्टर नहीं, आज बाकायदा बीजेपी के झंडे लेकर के कुछ लोग आते हैं और जयराम रमेश की गाड़ी को घेर लेते हैं। वो गाड़ी में बैठे हुए थे पहली सीट पर, और फिर उनकी गाड़ी पर लगे हुए पोस्टरों को भी फाड़ा, पानी फेंकने का काम किया, डीजे बजाया वहाँ पर। हाँ, ये तो साहब डरवा रहे हैं लोग, बहुत धमकाया और बहुत कोशिश किया आदमी नहीं होने के लिए, लेकिन आदमी आप लोग देखिए कितना आदमी हुआ, जितना भी रोकने के लिए कोशिश, किंतु काम नहीं होगा, काम कांग्रेस का ही होगा, बीजेपी का काम नहीं है। गुंडागिरी नहीं चलेगा, गुंडागर्दी नहीं चलेगा, कितना आदमी को मरेगा आज देखिए हम लोग को, और जैसे ये भूपेन बड़ा उसको ऊपर मैंने तेज निकाल दिया है, अब कितना आदमी को मारिएगा, इसे तो पहले देखा है कांग्रेस को कितना आदमी मरता हुआ हमने देखा है, और ये मारेगा तो कितना को मारेगा, तो हम लोग मार खा के जाएगा, हम लोग मार खा के जाएगा, लेकिन देखा जाएगा कितना हजार आदमी को मारेगा, कितना लाख आदमी को मारेगा। और बीजी वाला ऐसा करता है क्या, राजनीति चलता है, लेकिन आज इसके ऊपर हाथ उठाता है, उसके ऊपर हाथ उठाता है, ये कौन सा बात है? देखिए ये कह रहे हैं यहाँ पर कि हम लोग मार खा करके जाएंगे, मतलब हम मार खाने के लिए तैयार हैं, तैयार है, हाँ, लेकिन गुंडागर्दी नहीं चलने देंगे। ना ना ना, हम लोग को मार खाने के लिए तैयार है, हम लोग को मारने से हम लोग को मार खाएगा, हम लोग मरेगा नहीं, कितना साल मरेगा, कितना दिन तक मारते रहे, उतना दिन मार खाते जाएगा, एक दिन तो चेंज होगा ना, एक दिन ये जो जनता जनार्दन है वो देख रहा है, ये एक दिन न्याय होगा हम लोग के साथ, वो आने वाला 24 में पता चल जाएगा इसका न्याय के बारे में, वो जनता जनार्दन देख ही रहे आप लोग, उसी में पता चल जाता है ना कि क्या होने वाला असम में। ऐसा खौफ का माहौल रहेगा तो फिर यात्रा में लोग क्यों आएंगे? खौफ कितना देखेगा आदमी, कितना बर्दाश्त कर चुका है ये, जब से बीजेपी 14-15 से आया हुआ है तब से आदमी खौफ में है, और वो खौफ हमें चलता है, वो खौफ मन से हट गया अभी, डरवाना भी डरवा लो, ऐसे कर रहा है बीजेपी वाला, डर गया, डर गए आदमी लोग को, कांग्रेस के आदमी लोग को मारता है। असम का कल्चर है कैसा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, असम का कल्चर नहीं है ये, लेकिन अभी बीजेपी आने के बाद में ये इस तरह का इन लोग माहौल चला रहा है, डर का राजनीति है इन लोग का, डर रहा है इन लोग, कांग्रेस का जो प्रगति है, जो एडवांटेज है, उसको देख कर इन लोग डर रहा है, डर का राजनीति कर रहा है इन लोग। नहीं, लेकिन फिर ऐसे माहौल में तो घर से आदमी निकल करके आएगा नहीं, आए अपने बच्चों को क्यों भेजेगा? नहीं, अगर नहीं, ऐसे तो फोड़ होगी, हंगामा ऐसे नहीं है, कांग्रेस का हम लोग कांग्रेस का है, हम लोग जन्म से कांग्रेस ही है, और हम लोग आएंगे, जरूर आएंगे, इस तरह का माहौल चलेगा नहीं बीजेपी का। असम में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, कभी नहीं, पहले इससे पहले कभी हुआ नहीं है, ये पहली बार है इस तरह डरा हुआ है इन लोग, ये नए ऑलरेडी डरा हुआ है बीजेपी है,
ख्वाब में कि कल क्या हो जाए। 24 का आने वाले इलेक्शन में इसी देखिए आप, जनता जनार्दन का दो प्यार देखिए इसका, राहुल गांधी जी के लिए कितना प्यार है, कहाँ कहाँ से कितना, पूरा आसाम हर एक स्टेट से आया हुआ है इंसान यहाँ पे। आज हम लोग खुद आया हुआ, डिब्रूगढ़ तरफ से आया हुआ है, हम लोग यहाँ इतना 100 किलोमीटर पार करके भी आ रहे हैं, आज जनता जनार्दन आके जम रहे हैं। इसमें डरो जो भी डरवा ले, कुछ भी कर ले, 2024 में पता चल जाएगा। हिमंत जी कुछ भी डरवा दे, उनका पहले से वही है, उनका तो रुख वही है कि धमका डरा के काम करना है। वो कौन सी जो सही सलामत कर रहे हैं, उन्होंने शुरुआत से जब कांग्रेस में था, कांग्रेस से क्या नहीं किया, हर एक चीज में धोखाधड़ी किया कांग्रेस के साथ, कांग्रेस का खाया पिया सोया हर चीज में, हर एक चीज उसका कांग्रेस का मना है। आज लास्ट में है, पता चलिए देखिए क्या है। धर्मेंद्र है ना, आपका चैनल में डेली देखता हूँ, एक दिन भी मिस नहीं होता है मोबाइल में, रेगुलर मेरा आपका सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक यू। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है खलील मिर्धा। थैंक यू। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से अभी मौजूदा राजनीति असम के अंदर दिख रही है, जब यात्रा चल रही है, तो क्या ऐसे में ये यात्रा अब और विकराल हो जाएगी, या वाकई जो है वो लोग डर जाएंगे और यात्रा में आने से बचेंगे? दोनों तरीके का रिएक्शन होता है, या तो लोगों का जो है वो डर, या लोगों के अंदर उसका उल्टा ही अगर रिएक्शन होता है तो हो सकता है कि बड़ी तादाद में लोग निकल करके आ जाए। क्योंकि इसी तरह से हमने देखा था पहले भी किसान आंदोलन में भी और कई जो है जगह पर, कि जब जब लाठियां पड़ी, जब जब जो है खदेड़ने की, खाली करवाने की कोशिश की गई, तो दुगने लोग निकल करके आए। कई बार ऐसा भी होता है कि जब इस तरह का माहौल बना दिया जाए तो आम पब्लिक दहशत में आ जाती है, और आम पब्लिक फिर वो जो है वो निकलने से या वहाँ पर आने से कई बार बचती भी है। तो क्या होता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन जिस तरह से अभी कुछ जो कुछ हो रहा है वो अपने आप में बीजेपी की सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है। हेमंता बिस्वा शर्मा अपना दामन बचाने की लाख कोशिश करें, लेकिन उनसे सवाल जरूर पूछा जाएगा कि डबल इंजन की सरकार है तो डबल इंजन की सरकार में आखिरकार ऐसा हाहाकार क्यों है कि एक विपक्षी पार्टी अगर यात्रा निकाल रही है तो वहां पर आपकी पार्टी के झंडे लेकर के लोग आ जा रहे हैं। बाकायदा उनके वीडियो निकल करके सामने आई है, ऐसा नहीं कि कोई अंधेरे में, रात के अंधेरे में काम किया गया है, दिन के उजाले में काम हुआ है, वीडियो बाकायदा मौजूद है। तो अभी तक किसी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? अगर वो कांग्रेस के लोग हैं तो गिरफ्तारी करके कांग्रेस को एक्सपोज क्यों नहीं किया जा रहा है? बताया जाए कि कांग्रेस के कौन कौन से कार्यकर्ता है जिन्होंने बीजेपी के झंडे लेकर के इस तरह से माहौल खराब करने की कोशिश की, या अगर बीजेपी के लोग हैं तो फिर उनको गिरफ्तार करिए। तो वो तो काम हेमंता बिस्वा शर्मा का है, वो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं वो पब्लिक यहाँ पर देखेगी, और फिर पब्लिक जनता वो क्या मूड बनाती है वो तो वक्त बताएगा। बहरहाल शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।